हाय एवरीवन, रेसिपीज़ बाय ऋतुजा में आपका स्वागत है। आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ पाव भाजी की रेसिपी। पाव भाजी हम बहुत तरीक़ों से बना सकते हैं और उनमें से दो तीन तरीके मैंने आपके साथ ऑलरेडी शेयर किए हैं, तो उसकी लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूँगी। और ऐसे ही एक और तरीका मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, तो चलिए हम इस रेसिपी को स्टार्ट कर लेते हैं। यहाँ पर हमें सबसे पहले आलू और मटर को उबाल लेना है। तो एक कुकर लेंगे, कुकर में मैंने ये दो आलू डाले हैं, फिर एक कप हरे मटर को डाला है, तो इन्हें हमें उबाल लेना है। तो इसके लिए हम दो ग्लास हम इस पानी डालेंगे और फिर ढक्कन लगाकर इसे तीन से चार सीटियाँ आने तक कुक कर लेंगे। तो पाव भाजी बनाने से पहले हमें ये सब कर लेना है, तो उसके साथ ही हमें फ्लावर को भी कुक कर लेना होगा। तो एक बर्तन में मैंने पानी रखा है गर्म करने के लिए, थोड़ा सा नमक डाला है और ये फ्लावर डाले हैं। तो कॉलीफ्लावर मैंने इस टाइप के टुकड़ों में लिया है। कॉलीफ्लावर जब तक सॉफ्ट नहीं होता तब तक हम इसे कुक कर लेंगे, तो 10 से 15 मिनट लग सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने तीनों चीज़ों को अच्छे से कुक कर लिया है, तो अब हम इसे मैश कर लेंगे। तो आपको जितना मैश करना है आप कर सकते हैं, आप इसे मिक्सर में भी ग्राइंड कर सकते हैं, लेकिन मुझे पाव भाजी में थोड़ा सा इसे खड़ा खड़ा ही रखना है, तो इस तरह से ही मैश करूँगी। तो चलिए हम चलते हैं अब पाव भाजी बनाने के लिए। यहाँ पर मैंने एक कढ़ाई को गैस पर रख दिया है, उसमें हम 3 टेबलस्पून तेल और 1 टेबलस्पून बटर डालेंगे। बटर से पाव भाजी की टेस्ट बहुत अच्छी आती है। तो यहाँ पर हमारा बटर मेल्ट हो चुका है, तो सबसे पहले हमें यहाँ पर प्याज डालना है, प्याज को कुक कर लेना है। तो यहाँ पर मैंने 2 मीडियम साइज़ के प्याज को अच्छे से बारीक कट कर लिया है। प्याज को हमें अच्छे से सॉफ्ट बना लेना है, सॉफ्ट होने तक कुक कर लेना है। प्याज जल्दी से कुक हो इसलिए हम अभी नमक डाल देते हैं। तो चलिए प्याज सॉफ्ट होने तक हम इसे भून लेते हैं। तो अगर आप प्याज एकदम बारीक काटेंगे तो पाव भाजी का टेक्सचर भी अच्छा आएगा और जल्दी कुक भी हो जाएगा। तो उसके लिए मैंने बटरफ्लाई कंपनी का चॉपर यूज़ किया है, उससे आसान तरीके से प्याज को हम बारीक से चॉप कर सकते हैं। उसका भी रिव्यू मैंने चैनल पर अपलोड किया है, उसकी लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। तो यहाँ पर प्याज सॉफ्ट हो चुका है, तो अब हमें इसमें डालना है हरी मिर्च और अदरक लहसुन की पेस्ट। ये पेस्ट बनाने के लिए मैंने 2 हरी मिर्च, 5 से 6 लहसुन की कलियाँ और अदरक का एक टुकड़ा लेके उसे पीस लिया था। तो इसे मैंने हल्के से भून लिया है, तो अब हम इसमें डालेंगे 2 मीडियम साइज़ की शिमला मिर्च। तो शिमला मिर्च भी मैंने चॉपर की हेल्प लेकर ही कट की है, आप देख सकते हैं कि कितना बारीक चॉप किया गया है। तो शिमला मिर्च का कच्चापन आ जाने तक हमें इसे भून लेना होगा, तो 5 से 7 मिनट लगते हैं इसे भूनने के लिए। तो चलिए हम इसे फटाफट से भून लेते हैं। तो ये देखिए, ये सारी चीज़ें अब कुक हो चुकी है, तो अब हम इसमें डालेंगे टमाटर की प्योरे। प्योरे बनाने के लिए मैंने यहाँ पर 3 मीडियम साइज़ के टमाटो यूज़ किए हैं। तो इसे भूनने के लिए अब हमें ज़्यादा समय लगने वाला है, क्योंकि टमाटर का जो मॉइस्चर है, जो पानी है, वो निकल जाने तक हमें इसे भून लेना पड़ता है। तो इसे भूनने के लिए कुछ 10 से 12 मिनट लगेंगे, तो चलिए हम इसे फटाफट से भून लेते हैं। तो ये देखिए, मॉइस्चर जाने के बाद इसे तेल छूटने लगा है, तो अब हम इसमें मसाले ऐड कर देंगे। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर 1/2 चम्मच हल्दी पाउडर, 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर और 1 टेबलस्पून पाव भाजी को कलर लाने के लिए कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर लिया है। आप चाहे तो फूड कलर ऐड कर सकते हैं या फिर पाव भाजी को ऐसे ही रख सकते हैं। अगर आपको स्पाइसी पाव भाजी खाना पसंद है तो आप लाल मिर्च पाउडर की अमाउंट बढ़ा सकते हैं। फिर यहाँ पर पाव भाजी मसाला डाला है मैंने, तो 2 से 3 बड़े चम्मच पाव भाजी मसाला का यूज़ करना है। पाव भाजी मसाला हम ज़्यादा अमाउंट में यूज़ करते हैं। तो इन मसालों को हम 2 मिनट के लिए अच्छे से भून लेंगे। तो अब हम इसमें डालेंगे ये मैश किया हुआ आलू, कॉलीफ्लावर और हरे मटर। तो चलिए हम इसे मिक्स कर लेते हैं। अगर आप इसे मिक्सर से पीस लेंगे तो पाव भाजी का टेक्सचर थोड़ा सा अलग आता है, लेकिन यहाँ पर हमने मैशर से इसे मैश किया है तो थोड़ा सा खड़ा खड़ा वाला टेक्सचर आएगा।
तो यहाँ पर मुझे लगता है कि इसे थोड़ा सा मैश कर लेना चाहिए, क्योंकि एक बार पानी डालने के बाद ये अच्छे से मैश नहीं होगी। तो अभी हम इसे फटाफट से मैश कर लेते हैं। तो चलिए, अब टाइम आता है इसमें पानी ऐड करने का। तो यहाँ पर मैंने गर्म पानी का इस्तेमाल किया है, तो कंसिस्टेंसी देखकर आप इसमें पानी ऐड करिएगा। तो इसकी कंसिस्टेंसी आप अपने हिसाब से रख सकते हैं। और हाँ, इसमें पानी ऐड करते वक्त गर्म पानी का ही यूज़ करिएगा, क्योंकि गर्म पानी से इसकी टेस्ट बिल्कुल नहीं जाती है। अगर आप इसमें ठंडा पानी वगैरह डालोगे तो टेस्ट में थोड़ा सा चेंज हो सकता है। अब पानी ऐड करने के बाद इसे हमें 10 से 12 मिनट के लिए कुक कर लेना है, क्योंकि हमने इसमें पानी ऐड कर दिया था, तो ये अच्छे से कुक होनी चाहिए। अब यहाँ पर हम डालेंगे नमक। तो नमक हमने पहले भी डाला है और अब भी डालेंगे। पाव भाजी हमारी यहाँ पर कुक होके रेडी है, तो लास्ट में हम इसमें बटर डालेंगे और बारीक कट किया हुआ धनिया पत्ता डालेंगे। अगर आपको पतली वाली भाजी अच्छी नहीं लगती है तो आप इसे और गैस पर रखिए और थोड़ा सा पानी रिड्यूस होने दीजिए। अब भाजी में से इतनी बढ़िया खुशबू आ रही है ना, तो इसे आप ज़रूर बनाकर देखिएगा। लास्ट में हम अब पाव गरम कर लेते हैं। तो यहाँ पर एक पैन रखेंगे, पैन के ऊपर बटर, आप चाहे तो तेल भी डाल सकते हैं या फिर घी का भी यूज़ कर सकते हैं। तो ठेले वाले भैया के स्टाइल में ही हम करेंगे। तो यहाँ पर बटर के बाद मैंने पाव भाजी मसाला ऐड कर दिया है, थोड़ा सा धनिया पत्ता, और फिर ब्रेड को बीच में से कट करके इसे हम तवे पर सेक लेंगे। तो दोनों साइड से हम बटर लगाएंगे और क्रिस्पी होने तक सेक लेंगे। तो क्रिस्पी वाले ब्रेड ना भाजी के साथ खाने में बहुत ही मज़ा आता है। तो चलिए, हम अब पाव भाजी को सर्व कर लेते हैं। तो बहुत ही यम्मी वाली पाव भाजी हमारी बनकर तैयार है। इस स्टाइल से ज़रूर बनाकर देखिएगा, इजी है और झटपट भी बन जाती है। तो अगर आपको आज की ये रेसिपी पसंद आती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर करें, और ऐसे ही वीडियोस और रेसिपीज़ देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो मैं मिलती हूँ आपको ऐसे ही यम्मी रेसिपीज़ के साथ। टिल देन, टेक केयर, बाय बाय।